ये है टेंडा F6, एक वायरलेस राउटर। इसकी कीमत है 1699 रुपये, और ये चार एंटीनास के साथ में आता है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ और आपको इस राउटर के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है एक और वायरलेस राउटर टेंडा F6N300, और इसकी कीमत है 1699 रुपये। बॉक्स पर स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। ये एक सिंगल बैंड वाईफाई राउटर है, मॉडल नंबर F6, 2.4 GHz का। ये देखिए यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। चार एंटीनास के कारण जो वाईफाई रेंज है वो आपको अच्छा मिल जाता है। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स पैक को मैंने खोल दिया है और ये देखिए जो प्रोडक्ट है इसे इस प्रकार से पैक किया गया है। बॉक्स के अंदर आपको एक तो क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, ये अडाप्टर मिलता है और नेटवर्क केबल और राउटर। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। वैसे तो आपने बहुत सारे राउटर्स देखे होंगे, लेकिन ये जो टेंडा F6 राउटर है इसका डिज़ाइन देखें तो काफ़ी अलग किस्म का है। ये जो चार एंटीनास दिया हुआ है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ये देखिए इस प्रकार से। और ये जो राउटर है इसका जो डिज़ाइन है एकदम अलग किस्म का है, और इसमें दो कलर कॉम्बिनेशन है, ऊपर ब्लू है और साइड्स में वाइट है। LED नोटिफिकेशंस भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से फीचर्स इसमें एक्टिवेटेड हैं, और नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट कर सकते हैं या फिर टेबल पे भी रख सकते हैं। पीछे पोर्ट्स हैं, तीन लैन पोर्ट्स हैं और एक वैन पोर्ट है। अब तीनों को सेम कलरिंग दिया हुआ है। आमतौर पे राउटर्स पर जो वैन पोर्ट होता है उसे एक अलग कलरिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सेम येलो कलर है। और यहाँ पे देखिए रिसेट का बटन है और ये है पावर इन स्लॉट। राउटर को मैंने कनेक्ट कर लिया है और इसे ऑन कर दिया है। देख सकते हैं कि जो LED नोटिफिकेशन है, सिस्टम LED वो लाइट अप हो गया है, और जैसे ही वाईफाई ऑन हो जाएगा, LED ऑन हो गया है तो वाईफाई का जो LED है वो भी ऑन हो गया है। मैं स्पेक्ट्रानेट ब्रॉडबैंड का उपयोग कर रहा हूँ और राउटर को मैंने मेरा जो ब्रॉडबैंड है उसके साथ में कनेक्ट कर लिया है। आप 192.168.0.1 पर जाके इस राउटर को सेटअप कर सकते हैं, ये देखिए। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको इंटरनेट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, वायरलेस बैंडविड्थ कंट्रोल, वायरलेस रिपीटिंग का भी ऑप्शन है, मतलब कि आप ये जो राउटर है इसे रिपीटर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। चार एंटीनास के कारण आपको अच्छा वाईफाई रेंज मिल जाता है। और अब मैं ये देखिए मेरे स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा हूँ, मैंने जो टेंडा F6 राउटर है उसके साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और नेटवर्क देखिए फुल दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा हिलूँ तो ये देखिए फ्लक्चुएट होता है। मैं राउटर से दूर हूँ और डायरेक्ट रेंज में नहीं हूँ, मतलब कि बीच में दीवार है। ये देखिए ये स्पीड मुझे मिल रहा है इस एरिया में जहाँ पर जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस एरिया में मुझे तकरीबन 30 Mbps का स्पीड मिल रहा है। लेकिन अगर मैं राउटर के बहुत ही पास चले जाऊँ, ये देखिए अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ और देखते हैं कितना स्पीड मिलता है। अब मुझे मिल रहा है तकरीबन 40 Mbps का स्पीड, 44-45 तक पहुँच गया है, 44 Mbps का स्पीड मिल रहा है इस एरिया में, मतलब कि जब मैं राउटर के एकदम नज़दीक हूँ। तो ये जो राउटर है अच्छा राउटर है और उसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सब कुछ आपके यूजेबिलिटी पर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसका मैक्सिमम स्पीड 90 Mbps तक जाता है, तो मेरे लिए डुअल बैंड वाईफाई राउटर अच्छा ऑप्शन होगा। सिंगल बैंड मतलब कि 2.4 GHz वाईफाई राउटर में मुझे इतना अच्छा स्पीड नहीं मिलने वाला है। तो आपके यूसेज पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप मैक्सिमम 50 Mbps स्पीड से खुश हैं या उससे ज़्यादा कभी उपयोग नहीं करने वाले हैं तो आप इस तरह के 2.4 GHz के सिंगल बैंड वाईफाई राउटर के लिए जा सकते हैं, अन्यथा बेहतर होगा कि आप डुअल बैंड वाईफाई में इन्वेस्ट करें। अगर आप ये खरीदने का सोच रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, टेंडा F6N300। कीमत है 1699 रुपये, अमेजोन पर अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये राउटर आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।